सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग मूवी सलार को लेकर इन दिनों खास बज है। किंग खान की मूवी जवान के बाद अब हर किसी की नजर KGF 2 के निर्देशक प्रशांत नील की अपकमिंग मूवी सलार पर है, जिसमें प्रभास एक बार फिर एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर पहले से काफी हाइप बना हुआ है। ये मूवी इसी महीने 28 सितंबर 2023 के दिन रिलीज होने वाली थी, मगर सितंबर महीने शुरू होते ही इस फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव की खबरें सामने आने लगी थी। रिपोर्ट थी कि मेकर्स इस फिल्म को तय वक्त तक सिनेमाघरों में नहीं पहुंचा पाएंगे। अब इन रिपोर्ट पर सलार के निर्माता निर्देशक ने पक्की मुहर लगा दी है। प्रभास और श्रुति हर्षन स्टारर KGF फेम निर्माता निर्देशक अपकमिंग मूवी सलार की रिलीज डेट को फिलहाल टाल दिया गया है। इसका ऐलान मेकर्स ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करके दिया। इस पोस्ट में मेकर्स ने लिखा, सलार को मिल रहे आपके समर्थन का हम आभार प्रकट करते हैं। हमें कुछ परिस्थितिवश इसकी रिलीज तारीख 28 सितंबर 2023 को स्थगित करना पड़ रहा है। हमारे इस फैसले को कृपया समझें और ये फैसला पूरी तरह सोच विचार के लिया गया है, क्योंकि हमारी टीम एक शानदार सिनेमेटिक अनुभव देने के लिए बाध्य है। हमारी टीम उच्च स्तर के नामकों को अपनाने की दिशा में काम कर रही है। फिल्म की नई रिलीज डेट जल्द ही सामने आएगी। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम सलार द सागर का अंतिम रूप देने की ओर अग्रसर हैं। और शुक्रिया हमारे साथ इस अविश्वसनीय सफर का बने रहने के लिए। इस बीच चर्चा है कि सुपरस्टार प्रभास की मूवी सलार इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है। फिल्म हलकों में निकल रहे सामने आई जानकारी के मुताबिक मेकर्स की नजरें इस साल क्रिसमस के मौके पर अपनी मूवी लाने की कोशिश में है। इस फिल्म को निर्माता निर्देशक 22-23 दिसंबर के दिन रिलीज कर सकते हैं। हालांकि ये पेचा ये है कि इस दिन शाहरुख खान की मूवी डंकी भी रिलीज होने को तैयार है। अब अगर सलार के मेकर्स भी इसी डेट को पक्का करते हैं तो शाहरुख खान और प्रभास के बीच ऑन स्क्रीन कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।